कहते हैं ना कि टैलेंट यानी कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इसके बल पर एक न एक दिन इंसान अपना मुकाम पा ही लेता है। ऐसा ही एक वाक्या हुआ इंदौर शहर में, जहां पर फुटपाथ पर रहने वाला परिवार जिसके ऊपर सिर्फ आसमान का साया था, उसके दिन कुछ ऐसे पलटे जैसे कि कोई देखा हुआ ख्वाब हो जो असलियत में बदल गया। किसने सोचा होगा कि फुटपाथ पर रहने वाली ये बेटी अपनी मेहनत लगन से पढ़ाई कर इतनी सफलता पालेगी कि अपने परिवार को फुटपाथ से उठाकर एक घर तक ले आएगी। हम बात कर रहे हैं होनहार छात्रा भारती खांडेकर की, जो अपनी झोपड़ी टूट जाने के बाद परिवार के साथ फुटपाथ पर रहकर गुजर बसर कर अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और अपनी मेहनत के बल पर 10वीं में 69% अंक हासिल किए। जब ये बात मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो तुरंत ही भारती को रहने के लिए फ्लैट उपलब्ध कराया गया। साथ ही उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने ली। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के आदेश पर छात्रा भारती को जहां भूरी टैकरी पर फ्लैट दिया गया, वहीं निगम की तरफ से उसे टेबल, कुर्सी, पंखा और कपड़े दिलाए गए हैं। इसके साथ ही कोई भी परेशानी होने पर अफसरों को बताने के लिए कहा गया है। भारती के दो भाई भी हैं। अधिकारियों ने भारती को अपने भाइयों को भी आगे पढ़ाने के लिए कहा है। यहाँ तक पहुँचने का भारती का सफ़र बहुत कठिन रहा। वो और उसका परिवार फुटपाथ पर रहते थे। दिन में माता पिता जब काम पर चले जाते तो भारती अपने भाइयों को संभालती, उसके बाद रात 1 बजे तक जागकर अपनी पढ़ाई पूरी करती। माँ बाप जागकर उसका ध्यान रखते। सबसे ज़्यादा तो परेशानी बारिश में होती थी, क्योंकि बारिश की वजह से बिस्तर और सारा सामान गीला हो जाता, बस्ते तक में पानी भर जाता, जिससे कॉपी किताब पूरी तरीके से खराब हो जाते। और सीमित संसाधन के बीच ही जैसे तैसे व्यवस्था कर भारती ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। भारती ने निगम आयुक्त प्रतिभा पाल से मुलाकात भी की। इस दौरान निगम आयुक्त ने भारती से पूछा कि वो क्या बनना चाहती हैं, जिस पर भारती ने कहा कि उन्हें IPS ऑफिसर बनना है। भारती ने निगम आयुक्त से ये भी कहा कि मैं पहली बार आपसे मिली हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। इस दौरान उसने अपने स्कूल में हुए एक वाक्य को भी निगम आयुक्त के साथ साझा किया और कहा कि लोकेश जाटव सर स्कूल आए थे, उन्हें देखकर मैंने कहा था कि मैं भी IPS ऑफिसर बनूंगी और आगे जाकर मैं और मेहनत करूंगी ताकि IPS ऑफिसर बन पाऊं। इस पर प्रतिभा पाल ने बच्ची को कहा कि खूब मेहनत करके पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। भूरी टेकरी पर फ्लैट तो दे दिया गया है, लेकिन ऐसी कई मुसीबतें हैं जो अभी भी उसके साथ है, जैसे खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं है और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो जल्द ही प्रशासन की मदद से प्रतिभा और उसके परिवार को मुहैया कराई जाएंगी। बताया जा रहा है कि नगर निगम के पास फुटपाथ पर जीवन गुजारने वाली प्रतिभावान बच्ची भारती खांडेकर का अब जीवन बदल गया है। उसे नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने न सिर्फ भूरी टैकरी पर फ्लैट दिया, बल्कि आयुक्त पाल ने उसे एक तरह से गोद ही ले लिया है। आयुक्त ने भारती के घर पंखा, टेबल, कुर्सी और अन्य सामान भी पहुँचाए। इसके साथ ही निगम आयुक्त ने नए कपड़े भी दिलवाए। अब भारती ने प्रण किया है कि वह अगली कक्षाओं में जी तोड़ मेहनत करेगी और अपनी प्रतिभा को बनाए रखने का प्रयास करेगी। भारती ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं गरीबी में पल रहे बच्चों को ऐसी मदद कर पाऊँ कि वो भी पढ़ लिख कर अपने परिवार का जीवन बदल सकें। सलाम है प्रतिभा के जज्बे को, जो इतनी मुसीबतों के बाद भी उसने जगाए रखा और अपनी मेहनत के बल पर फुटपाथ से उठाकर अपने परिवार को एक घर में लाकर खड़ा कर दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।